तो जैसे कि भाई मैं एक रिपोर्ट कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम को, तो मेरे को जो भी पेस्ट करना है मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं भाई नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ सेंड रिपोर्ट पे, तो लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू योर फीडबैक हेल्प्स मेक इंस्टाग्राम बेटर फॉर एवरीवन। पर जब भाई मैं ऊपर नोटिफिकेशन में देख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है भाई इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड। मैंने जो भी लिखा हुआ था वो लिखा हुआ आ रहा है, सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है द बग रिपोर्ट फेल्ड टू अपलोड क्लिक टू रीट्राई। तो भाई आप लोगों को भी इस टाइप का लिखा हुआ आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं मैं इस टाइप का क्यों लिखा हुआ था। भाई इस टाइप का जो लिखा हुआ आ रहा है उसका पहला रीज़न तो ये है कि आपका जो भाई मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई है ना वो भाई ऑन नहीं है, तो पहले ना उसे भाई ऑन कर लेना। तो आप उसे ऑन करके तो आप फिर से क्लिक रीट्राई पे क्लिक करते हैं, अपन क्लिक टू रीट्राई पे क्लिक करते हैं और अपन फिर से भेज के देखते हैं। तो आप देखोगे ना भाई, तो अब जो है ना अब आपकी रिपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली भेज जाएगी। देखो भाई थोड़े टाइम बाद आपको फिर से नोटिफिकेशन आएगा या शायद नहीं आएगा, उसे छोड़ो। और जो दूसरा तरीका है, दूसरी जो दिक्कत है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि आप ना भाई बार बार रिपोर्ट आप प्रॉब्लम कर रहे हो, मतलब भाई हर किसी छोटी मोटी बात पे आप मतलब भाई थोड़ा बहुत रुकते वुकते नहीं है, सीधे भाई रिपोर्ट आप प्रॉब्लम कर रहे हो। आप रोज़ अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप रोज़ एक बार में 5, 6, 7 इतनी सारी रिपोर्ट प्रॉब्लम कर रहे हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा जो बग है वो अपना रिपोर्ट हो चुका है, तो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पहली बात तो ये कि आपको जो भाई मोबाइल डेटा है ना वो भाई अच्छे खासा आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा खासा होना चाहिए, आपको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। और दूसरा एक कि भाई आपको बार बार ट्राई नहीं करना, अगर आप बार बार ट्राई करोगे ना भाई आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अगर आप बार बार भेजोगे ना तो भाई वो ना भाई एक स्पैम टाइप का हो जाता है और इंस्टाग्राम इस चक्कर में शायद आपको ये ग्लिच दे रहा है। तो भाई आपको ये दो चीज़ें यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी, भाई ये सब करने से आपकी जो प्रॉब्लम भाई वो सॉल्व हो जाएगी। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, तो उन्हें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ना भाई सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और आपको आपको सर्च करना है भाई इंस्टाग्राम। जैसे मैंने सर्च कर लिया, अब इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद आपको भाई अपडेट कर लेना, अगर अपडेट ना हो अब आपने अपडेट कर लिया फिर भी सॉल्व नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इंस्टाग्राम को होल्ड करके रख लेना है। आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, फिर आपको भाई क्लिक करना है स्टोरेज यूजेज पे, फिर आपको भाई क्लियर कैश कर देना है, फिर क्लियर डेटा भी कर देना है। तो वो मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि भाई सब अकाउंट्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, इसलिए भाई मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर ये सब करके वरना आप चाहो ना क्लियर डेटा करने की जगह आपने भाई ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो, लॉगिन लॉगआउट करके भी ट्राई कर देना। और वरना भाई आप एक और काम करना, आप ना भाई कोई आपके फ़ोन में अगर एक और अकाउंट होना है इंस्टाग्राम का तो ट्राई करना कि क्या आपको दूसरे अकाउंट में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसमें नहीं आ रही है तो सबको ये पता चल जाएगा कि अपने इसी अकाउंट में प्रॉब्लम है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत वेट करना भाई, वो आपको टेम्प्रेरी बैन लग गया होगा। अगर आप भाई कोई भी फीचर का बार बार भाई एक हद से ज़्यादा यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम आपको भाई टेम्प्रेरी बैन लगा देता है। तो थोड़ा वेट करना भाई 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक का, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वरना आप एक और काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम का भाई लाइट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, इसी आपको दिख रहा है, आप लाइट वर्जन भी एक बार भाई ट्राई कर लेना रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करके। वरना फिर आपको ना भाई क्रोम को ओपन करना है और आपको सर्च करना है भाई instagram.com, वो 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एक बार सेटिंग्स पे क्लिक करना है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे आपको यहाँ पे भी एक रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर दो ना भाई। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे ट्राई करना भाई, यहाँ पे पक्का आपकी जो प्रॉब्लम है ना भाई वो यहाँ से पक्का सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे अगर एक बार हो गया ना तो भाई फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन में भाई थोड़े कम से कम आपको 24 से 48 आवर्स का वेट करना, आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको जितनी भी स्टेप्स बताई हैं अभी तक अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना भाई वो सॉल्व हो जाएगी। अगर एक और मैं आपको और बता देता हूँ, इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ पे आपको एक हेल्प सेंटर का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप हेल्प सेंटर में भी ना अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको ना भाई बहुत सारे यहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब वहाँ पे आपको भाई फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, वो भी हो जाएगा काम, पर आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इससे पहले जितनी भी स्टेप्स बताई हैं अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई इंस्टाग्राम पर यूट्यूब से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम अगर जाननी है पूछनी है फिर बतानी है तो वो भी आप भाई पूछ सकते हो, बता सकते हो। आपको मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल स्क्रीन पे भाई दिख रही होगी। सो आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में।